खेतीहर जमीनों के बढ़ते पीएच और घटती उर्वरा शक्ति, साथ ही हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए सरकार द्वारा पीएम प्रणाम योजना के तहत रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करने एवं जैविक उर्वरक को बढ़ावा देने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में आज जिले के कृषि भवन से जिला कृषि अधिकारी मोहम्मद मुजम्मिल ने हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड गोरखपुर के प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। इस दौरान कृषि अधिकारी ने बताया कि हमारे वैज्ञानिक लगातार शोध कर रहे हैं और सरकार लगातार प्रयोग कर रही है, जो काफी हद तक सफल भी है। हमारा उद्देश्य जैविक खेती को बढ़ावा देना है। सिद्धार्थनगर से संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। अभी रवाना किए झंडी दिखाकर, क्या मामला है और किस लिए? अभी एचवीआरएल गोरखपुर जो फर्टिलाइजर कंपनी है, जो वहाँ पे यूरिया का निर्माण करती है, और जनपद में आज उसको हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया। किसानों के बीच में जागरूकता अभियान चलाई गई। हमारी एक योजना चली है पीएम प्रणाम योजना, जिसमें शासनादेश क्रम में यहाँ निर्देशित किया गया है कि जनपद की जो उर्वरक की कम यूज है उसको कम कराया जाए, और उसके जो बैलेंस फर्टिलाइजर जो हैं, चाहे उसके जो अन्य जो उर्वरकों का जो प्रयोग करना उनके साथ में, उनके प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए और जो केमिकल फर्टिलाइजर को कम करने के लिए गाड़ी का को हरा झंडी दिखा रवाना कराया गया है। ये गांव-गांव में जाएगी, ब्लॉकों में जाएगी और किसानों को इसके संबंध में बताएगी कि जो हम लोग लगातार केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग करें, हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। जो उत्पाद उसके पैदा किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं से हमारे शरीर को उसका हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है, बीमारियाँ ज़्यादा हो रही हैं। तो ऐसे में केमिकल फर्टिलाइजर को कम किया जाए और जो हमारे जैविक उत्पाद हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए इसको चलाया जा रहा है। पीएम प्रणाम योजना में यही कहा गया है कि कम फर्टिलाइजर का प्रयोग कम किया जाए और उनके जो सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कराया जाए। तो यूरिया के जगह पर नए नए यूरिया है, जो सल्फर कोटेड यूरिया है, माइक्रोराइजा है, इस तरह का जो भी फर्टिलाइजर है, चाहे जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, जैसे जीवामृत है, घनामृत है, बीजामृत है, चाहे पंचगव्य है, ऐसे प्रोडक्टों का प्रयोग करके केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ कम करके और जैविक खेती को बढ़ावा दे करके लाभदायक उत्पाद को प्राप्त करें। आज की खेती पूरी तरह रासायनिक खादों पर आधारित हो गई है, तो अगर आप उसको कम करेंगे तो प्रोडक्शन कम नहीं होगा? ऐसा कुछ नहीं है, हमारे जो वैज्ञानिक लगे हुए इसमें भी काम कर रहे हैं। अन्य प्रांतों में जैसे सिक्किम में एक प्रांत ऐसा है जो पूरा जैविक राज्य घोषित किया जा चुका है, और ऐसा नहीं है कि सिक्किम में उत्पादन कम हो रहा है, और हमारे झांसी में भी इसके ऊपर अच्छा प्रयोग किया जा रहा है, नोएडा में अच्छा काम किया जा रहा है। हमने गुजरात वहाँ गुजरात के जो महामहिम राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत जी, उनका जो कुरुक्षेत्र में क्षेत्र है उसका हमने डिमॉन्स्ट्रेशन खुद किया था, जाकर के देखा था, और उसमें मैंने देखा था कहीं से किसी प्रकार का कोई उत्पादन में कमी नहीं आ रही है। ये थोड़ा सा किसान के मन में है कि उत्पादन कम होगा, लेकिन जैसे जैसे किसान इसमें आगे आएंगे, सोचेंगे, देखेंगे और इच्छा जाहिर करेंगे, तो उनका भी एक शिविर लगवाया जाएगा वहाँ जा करके, और वहाँ पर ट्रेनिंग दिलवा करके उनको आगे बढ़ाया जाए, और जो दो तीन साल में जो उत्पादन की बात है वो निश्चित रूप से किसानों के मन से निकल जाएगी, उत्पाद अच्छा प्राप्त होगा।